अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू बेगम किचन। मैं हूं आपकी दोस्त होस्ट नाजिश। आज मैं बना रही हूं चिकन मंचूरियन। तो चलते हैं, इसकी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए चिकन, जो मैंने किचन टॉवल पे ड्राई कर लिया है। आधा किलो मैंने चिकन लिया है यहाँ पर। लहसुन लेंगे और लहसुन को ग्रेटेड करना है, फ्रेश ग्रेटेड करना है। तो यहाँ मैंने 5 डब्बे लिए हैं। अब हम इसमें डालेंगे अदरक, उसको भी फ्रेश ग्रेटेड कर दिया है। यहाँ सॉल्ट डाला है आधा चम्मच। इसके बाद हमने डाला है रेड चिल्ली पाउडर आधा चम्मच। यहाँ मैंने राइस फ्लावर लिया है, चावल का आटा, जिसे मैंने रात में भिगोया था चावल, और सुबह पीस कर धूप में सुखा कर पाउडर बना लिया। यहाँ वाइट विनेगर लिया है 1 चम्मच तकरीबन। इससे हमारी विनेगर डालने से हमारे जो चिकन की स्मेल ख़त्म होती है और बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। तो चावल हमारे बाइंडिंग का काम करता है, तो इसे हम इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। और जो चावल का आटा लिया है वो मैंने थोड़ा दरदरा लिया है, जैसे कि आपने देखा है, क्योंकि अगर हम बारीक, हमें लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत बारीक ग्राइंड करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से मिक्स कर देंगे ताकि मसाले अच्छे से बैठ जाएं सब तरफ। और यहाँ मैंने डाला है रेड फूड कलर तकरीबन 1 पिंच। ये हमें कलर बहुत अच्छा कलर देगा। इसे मैरिनेट करने के लिए हम आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे साइड। अब हमें जिंजर लेनी है। जिंजर को फाइन चॉप, ऐसे लंबे लंबे में काट लेना है। गार्लिक लिया है, इसको भी मैं चॉप कर लूँगी। शिमला मिर्च ली है, शिमला मिर्च को क्यूब्स में कट कर लेंगे। और इसके बीज रिमूव कर देंगे, वो हमारे किसी काम के नहीं होते हैं और वो कोई फ्लेवरलेस होते हैं, इसलिए हम इसे हटा देंगे। रफली चॉप कर लेंगे। शिमला मिर्च का फ्लेवर मंचूरियन में बहुत टेस्टी होता है। अब हम मैंने जो टमाटर लिया है उसे मैं फाइन चॉप करूंगी क्यूब्स में। 2 टमाटर लिए हैं यहाँ पर। हरी मिर्च, 4 हरी मिर्च लिए हैं, इन्हें बीच से कट करके रख लेंगे। 1 प्याज को हमने चॉप करना है बारीक। बहुत बारीक चॉप करना है। और 4 मैंने छोटी प्याज ली है, उसको मैंने बस इस तरीके से क्यूब्स में कट कर लिया है। यहाँ मैंने लिया है आधा किलो, आधा ml रिफाइंड ऑयल। मेरा आधा घंटा हो चुका है तो मैं चिकन फ्राई करूँगी यहाँ पर। सिंपली आपने पीसेस निकाल के इस तरीके से डाल देना है। जब एक तरफ हो जाए फ्राई तो दूसरे तरफ पलट लें। ध्यान से काम करिएगा, तेल की छींटे ना आए आपके हाथ पे। डियर फ्रेंड, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हैं बेगम किचन की, तो आप लाइक का बटन ज़रूर दबाएं, साथ ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।
और प्रेस करें बेल आइकन ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चिकन ऑलमोस्ट डन होने वाला है। मुझे तो अभी से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। बस मैं इसके पीसेस मेरा हो गए हैं, अब मैं इसके पीसेस रिमूव करूंगी, ऑयल से हटा दूंगी। किचन टॉवल पे, किचन नैपकिन पे आप इसे रख लें ताकि इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो अलग हट जाए। एक पैन लीजिए, उसमें थोड़ा सा ऑयल डालिए। अब हमने जो क्यूब्स में छोटी प्याज काटी थी वो डालेंगे। इसे ट्रांसपेरेंट तक हमने चलाना है और ज़्यादा पकाना नहीं है। अब इसमें हमने शिमला मिर्च ऐड कर देनी है। तकरीबन 3 से 2 मिनट, ज़्यादा नहीं करना है, 2 से 3 मिनट तक इसकी हम भुनाई करेंगे बस। फिर उसके बाद हम इसे अलग प्लेट में निकाल के रख लेंगे। बस हो गया है, मैं इसे अलग करके रखती हूँ। अब मैं इसे बताऊंगी। आगे मैंने लिया है वही ऑयल में मैंने गार्लिक डाला है और फिर मैं डालूंगी जिंजर। थोड़ा सा सॉटे करने के बाद हमने इसमें ग्रीन चिली डाली है। फ्लेम को लो से मीडियम पे रखना है। अब मैंने इसमें चॉप्ड अनियन डाली है, जो मैंने एक अनियन को चॉप करा था बारीक, उसे डाल के मैं इसमें चलाऊंगी। ट्रांसपेरेंट तक होने तक हम इसे भुनाई करेंगे। गोल्डन करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, बस हमने ट्रांसपेरेंट तक करना है इसे अनियन को अपनी। अब हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। बस टमाटर गलने तक इसे ढक के रखना है। मिक्स कर दें पहले अच्छे तरीके से, फिर इसमें सॉल्ट डालें। मैंने 1 चम्मच सॉल्ट डाला है, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। रेड चिली डाली है 1/2 चम्मच, क्योंकि 1/2 चम्मच हमने मैरिनेशन में डाला था तो ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है। और ग्रीन चिली डाली है, इसलिए हमारा ये जो मिर्च है वो बैलेंस हो जाएगी। कवर करके रखेंगे 3 मिनट तक बस। 3 मिनट हो चुके हैं, अब मैंने इसे रिमूव करके इसकी भुनाई करूँगी अच्छे से। और हमारे टमाटर बहुत अच्छे से गल चुके हैं। थोड़ा इस तरीके से प्रेस करेंगे तो अच्छे से वो फूट जाएंगे और हमारा थोड़ा अच्छा सा पेस्ट तैयार हो जाएगा। अब मैंने इसमें डाला है सोया सॉस, मोमोज की चटनी डाली है, शेजवान सॉस जिसे बोलते हैं वो डाल दी है। शेजवान सॉस जो डाली है वो 2 चम्मच डाली है, मोमोज और सोया सॉस जो है वो तकरीबन 1 चम्मच डाला है। अब हमारा जो ग्रेवी तैयार हो गया, अब मैं चिकन ऐड कर रही हूँ। मसाले की कोटिंग कर देंगे। देखिए लग रहा है ना लाजवाब सा फ्लेवर इसका, इतना ज़्यादा पूरे किचन में हो रहा है, मैं आपको बता नहीं सकती, इतना ज़्यादा अच्छी फ्लेवर आ रही है इसकी। और मैं अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी ताकि हमारा जो चिकन है जो नहीं गला होगा अंदर तक, तो वो भी इसमें मसालों के साथ बहुत अच्छा गल जाएगा
और इसे ढक के रख देना है। तकरीबन हमें 10 से 15 मिनट तक इसे ढक के रखना है, जब तक ये कुक ना हो जाए, अंदर से कच्चा ना रहे तब तक आपने पकाना है। अगर आपका थोड़ा सा भी अक्स रह रहा है तो आप प्लीज़ चेक कर लीजिएगा, अदरवाइज़ ये 10 से 15 मिनट में हो जाएगा, क्योंकि हमने इसे भुना भी, फ्राई जब हमने करा था तो बहुत अच्छी देर तक फ्राई करा था। तो ये ऑलमोस्ट डन होने वाला है, बस इसका पानी जो है मुझे सुखा लेना है थोड़ा सा। अब मैंने पानी सुखाने के बाद इसमें फ्राइड जो मैंने अनियन और शिमला मिर्च करी थी वो बस लास्ट में मैं ऐड कर दूंगी, और इसे बस मिक्स करना है, और ये ऑलमोस्ट डन है। इतना इजी है मंचूरियन बनाना, आप ज़रूर ज़रूर ट्राई करिएगा अपने किचन में और अपने मेहमानों के साथ, अपने दोस्तों के साथ इस रेसिपी को शेयर करें, खिलाएं, खुद भी वाह वाह लूटें और हमें भी दुआओं में याद रखें। मेरे से तो रहा नहीं जा रहा है, मैं बस इसकी प्लेटिंग करूंगी और इसे मैं सर्व करूंगी अच्छे से और स्टार्ट करूंगी खाना। तो मेरा तो मंचूरियन चिकन तैयार हो गया है, आप भी अपने किचन में ज़रूर ट्राई करिएगा और कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताएं कि रेसिपी आपको कैसी लगी। दुआओं में याद रखिए, अपना खूब ख्याल रखिए, खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह हाफिज़।